राजस्थान जिला झुंझुनू के घुड़ा गोड़जी तन स्वामियों की ढाणी में 11,000 के विद्युत लाइन घरेलू लाइन पर गिरने से घरों में करंट तोड़ गया। करंट के चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए हैं। कई घरों के उपकरण भी जल गए। घुड़ा गोड़जी स्वामियों की ढाणी के ग्रामीणों के अनुसार 11,000 की विद्युत लाइन घरेलू लाइन पर गिरे हुए हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन बिजली विभाग को इस हादसे के बारे में 4 दिन से लगातार अवगत करवा रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं। जो कि ग्रामीण 4 दिन से बिजली विभाग के अधिकारियों से लाइन सही करने को लेकर कर्मचारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग आखिर क्यों किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। गुड्डा गोड़जी स्वामी की डाइयों में 11,000 की विद्युत की लाइन का तार घरेलू लाइन पर गिरने से घरों में दौड़ा करंट। तो हम ग्रामीणों से जानते हैं कि करंट से क्या हादसा हुआ यहाँ पर। ये 22 तारीख की रात की बात है। 11,000 की लाइन का एक तार टूटकर घरेलू लाइन पर गिर गया था। उससे जिस भी घरों में कनेक्शन है उनके सब के करंट दौड़ गया। सबकी लाइन फिटिंग है वो जल गई, टेलीविज़न है, फ्रीज है, कूलर है, सब जल गए। 2 जनों के, एक औरत और एक आदमी के करंट लग गया। उनको रात को 1 बजे हॉस्पिटल लेकर गए, उनको उनका उपचार करवाया। और अभी तक 4 दिन हो गए शिकायत किए हुए, अभी तक विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अभी तक लाइन को ठीक नहीं किया। अभी भी ये तार ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये कभी भी इससे बड़ा हादसा हो सकता है। आए दिन ये तार पहले भी एक दो टूट जाता है, पहले भी 2-3 बार टूटकर गिर गया है, इसे हादसा होते होते बच गया है। तो देख सकते हैं आप ग्रामीणों के अनुसार 4 दिन से ये हादसा हो गया है, लेकिन बिजली विभाग अभी भी सोया हुआ है।